फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेमस डिशेस। दिस इज़ काव्या। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही डिलीशियस सी स्टार्टर जिसका नाम है बटरफ्लाई चिकन। तो आइए चेक कर लेते हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद उसकी रेसिपी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, जिसे ये बोनलेस चिकन है, जिसे इस तरह से छोटे पीसेस में मैंने काट रखा है। आप चाहें तो इससे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। तो ये अच्छे से धोकर मैंने साफ़ रख दिया है। इसमें जाएगा एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो चम्मच जाएगा शेज़वान चटनी या शेज़वान सॉस। आपके पास शेज़वान सॉस नहीं है तो रेड चिली सॉस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जाएगा आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस जाएगा एक चम्मच, इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट, फिर इसमें डालेंगे हम एक छोटा चम्मच हमें डालना है लाल मिर्च पाउडर, फिर जाएगा आधा चम्मच इसमें विनेगर, इसकी जगह आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच हम डाल रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स और थोड़े हम डालेंगे इसमें ओरिगैनो या इटालियन सीजनिंग, जाएगा इसमें नमक और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। नमक ध्यान से डालिए क्योंकि सॉसेस में नमक ऑलरेडी होता है, तो उसके हिसाब से आपको नमक डालना है। इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। इसमें जाएगा दो चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर, दो चम्मच मैदा और इसे हम मिक्स कर लेंगे। जितना कॉर्नफ्लावर डालेंगे उतना ही हमें मैदा भी डालना है ताकि एक अच्छी सी एक लेयर कोटिंग इसमें आ जाए। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे थोड़ी देर हम रेस्ट करने रख देंगे, लगभग 30 मिनट के लिए। जब तक कि हमारा चिकन मैरिनेट हो जाता है हम आलू के स्लाइसेस बना लेते हैं। तो मैंने दो बड़े आलू यहाँ पर लिए हैं। आलू के साइजेस थोड़े बड़े होने चाहिए और बस उसकी स्किन निकाल दीजिए इस तरह से पहले, और उसके बाद हमें बारीक स्लाइस में उसे काट लेना है। स्लाइसर का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी बारीक हो जाएंगे, आप हाथों से ही काट सकते हैं। तो पहले का जो छोटा छोटा पार्ट है आप उसे निकाल के साइड में डाल सकते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। फिर हम अच्छे से इसे एकदम बारीक शेप में इस तरह से स्लाइस कर देंगे। बिल्कुल बारीक स्लाइसेस हमें बनाने हैं ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो इस तरह से। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और उसे मिक्स कर देंगे। तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी जो है पतली वाली बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। तो आइए बनाते हैं हमारे बटरफ्लाई चिकन। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स लिए हैं, ये आसानी से आपको सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक पोटैटो स्लाइस लेंगे जिसे कॉर्नफ्लावर स्लरी में हम इस तरह से कोट कर लेंगे ताकि अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग रहे इसकी। और एक चिकन पीस लेंगे साइज़ के हिसाब से और उसे बीच में रख के पोटैटो स्लाइस को आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है, और बस उसे इंटैक्ट करने के लिए हमें ये पिक को इसके अंदर इंसर्ट करना है इस तरह से। देखिए परफेक्ट साइज़, परफेक्ट शेप। अब इसी तरह सारे स्लाइसेस को, सारे चिकन पीसेस को आपको इसी तरह के शेप में बनाना है और इस बटरफ्लाई चिकन को तैयार करना है। देखिए चिकन बीच में रख दिया हमने और एक पिक के साथ हमने इसको यहाँ पर शेप दे दिया है। तो इसी तरह सारे पीसेस को हमने तैयार रख दिया है। अब हम इसे गर्मा गर्म तेल में डीप फ्राई करेंगे। तो मैंने तेल बिल्कुल गर्म कर दिया है। अब हम इसे मीडियम आंच में रख के फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने पकने लगभग 14 से 15 मिनट लगेंगे और आपको बिल्कुल धीमी आंच में इसे फ्राई करना है ताकि चिकन जो है अच्छे से पक जाए, क्रिस्पी हो जाए और इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर उसमें आ जाए। आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम इसे निकाल कर टिश्यू पेपर में रख देते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी झटपट सी एक सॉस। तो मैंने लिया है मेयोनीज, उसमें डाला है टोमेटो सॉस और जाएगा कुछ रेड चिली फ्लेक्स, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और हमारा बहुत ही यमी मेयोनीज चिली सॉस बिल्कुल तैयार है। तो आइए हम टेस्ट कर लेते हैं हमारे गर्मा गर्म बटरफ्लाई चिकन को। इसे हम डुबाएंगे ग्रीन चटनी और मेयोनीज सॉस में, और बहुत ही यमी और टेस्टी बटरफ्लाई चिकन स्टार्टर रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको देखकर ही मुंह में पानी आ चुका होगा। तो आई होप ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।